हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर और आसान डिजाइन में तोरण बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 4 ply ऊन ली है। तो 10-10 ग्राम ये दोनों कलर लगेंगे और ये वाला कलर 5 ग्राम लगेगा फुल तोरण में। 11 नंबर क्रोश ऐसे डिजाइन बना के तैयार करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग तोरण पट्टी से करेंगे और तोरण पट्टी के लिए 14 चेन लेनी है। काउंट करके लेंगे 14 चेन। डबल क्रोशिए का धागा 1, 2, 3, 4 फोर्थ चेन में डाल के और डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे और डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाना है। कंटिन्यू इसी तरह से तोरण पट्टी बना के तैयार करनी है। बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया में है ये तोरण पट्टी, जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से राउंड बना लेने हैं डबल क्रोशिया में। अगर आप कोई डिजाइन में तोरण पट्टी बनाना चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन बना के डाले हुए हैं। लास्ट में इसकी फिनिशिंग कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने सिंपल तोरण पट्टी बनाई है, ये देखिए। और अब मैं इसकी सिंगल क्रोशिया में फिनिशिंग कर रही हूँ। 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह पे बनाने हैं। नेक्स्ट में डाल लेना है। इसी तरह से ये मैंने सारी फिनिशिंग की है इसकी, इससे इसका लुक और अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से ये फिनिशिंग करनी है। तो ये देखिए तोरण पट्टी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसके लिए डिजाइन बना के दिखाएंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन बना रहे हैं। तो एक पेटल मैंने बनाई है, मैं दिखा देती हूँ कैसी बनी है। उसी तरह से हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। बिल्कुल अलग और आसान डिजाइन है ये देखिए, और बहुत जल्दी बन जाने वाला डिजाइन। इस पर झालर वगैरह आप लगा सकते हैं, पम पम बोल या झालर वगैरह लास्ट में। तो ये मैंने 3 कलर इस पेटल में यूज किए हैं। तो ये कैसे बनाई है वो दिखा देती हूँ मैं। स्टार्टिंग करके यहाँ से दूसरी पेटल बनाएंगे। स्टार्टिंग में आप जितनी जगह छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कहाँ से शुरू करना है। और अब मैं दूसरी पेटल बना के दिखाती हूँ आपको। ब्लू कलर से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए काउंट करके मैं ये सिंगल क्रोशिया बना रखे हैं, इसी हिसाब से डिजाइन बनाऊंगी। तो ये इधर की साइड में हाफ बॉक्स में कितने हैं उतने ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये इधर भी आ जाएगा और इधर भी। तो एक तो ये 6 में तो ये काउंट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर डाल लेंगे, इतना ये छोड़ देंगे और यहाँ डाल लेना है। और यहाँ से हम डिजाइन शुरू कर लेंगे। पांच या 6 चेन ले लेने, जितना आपको ये जो होल है ये रखना है उस हिसाब से 5 या 6 चेन ले लेंगे। और फिर यहां पर डालेंगे थोड़ी सी जगह स्किप करके। ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ी सी जगह स्किप की है हमने। तो उसी हिसाब से आप डाल के इसमें जगह स्किप करके और डाल लें। वन टू 2 चेन लेके बांधना है नेक्स्ट चेन पर। बहुत ज्यादा इसमें चौड़ाई नहीं करनी, तो उस हिसाब से आप 2 चेन ले। और इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने, 5 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इसी के साइज के हिसाब से हम बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हमें बना के तैयार करने हैं।
चार, एक साइड में सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। सात डबल क्रोशिया हो गए, दो चेन लेनी है बीच में, और फिर दूसरी साइड के लिए सात डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में सात सात डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में दो चेन लेनी है, और इसके बाद हमें सेम उसी तरह से नेक्स्ट चेन में बांध लेना है, फिर दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरी में बांध लेंगे। ये देखिए टर्न करेंगे और जो सात डबल क्रोशिया बनाए इन पर सात डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए सात डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशिया, यानी छह डबल क्रोशिया बीच में बनाने हैं। तीन, एक चेन लेनी है, फिर तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। और अब सात डबल क्रोशिया हैं, इन पर सात डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से ये डिजाइन बना लेना है और दो तीन राउंड करने हैं इसके इसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसके चार राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा मैंने बना के दिखाया था, तीसरा और चौथा राउंड सेम उसी तरह से बनाना है। पांचवा राउंड थोड़ा सा अलग बनाएंगे। तो ये तीन चेन, दो चेन लेके के बांध लेना है पहले। हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से पांच हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। पांच ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पांच हाफ डबल क्रोशिया, पांच सिंगल क्रोशिया, और अब फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं यहां पर। ये देखिए तीन डबल क्रोशिया बीच में इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी बना के तैयार कर लेंगे। डबल क्रोशिया बना के काउंट कर लेंगे एक बार कितने डबल क्रोशिया बने। तीन, दो, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस डबल क्रोशिया बनेंगे। उसके बाद पांच सिंगल क्रोशिया और पांच हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे दूसरी साइड का। तो ये देखिए इसके पांच राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वाला राउंड कैसे करना है, थोड़ी शेप इसमें बनानी है, इसलिए पांच हाफ डबल क्रोशिया, पांच सिंगल क्रोशिया और दस डबल क्रोशिया ये काउंट करके बनाना है। बाकी सारे राउंड सेम बनाने हैं। अब मैं कलर चेंज करूंगी। कलर चेंज करके भी हमें सेम ही बनाना है। दस डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में वो दो या यहां पर तीन और तीन, छह डबल क्रोशिया और बीच में तीन चेन। ये देखिए यहां से मैंने बीच में तीन चेन ली है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, वही डबल क्रोशिया है, वहीं से स्टार्ट करना है।
देखिए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया है और यहाँ से डबल क्रोशिया शुरू है, तो यहाँ से कर लेंगे स्टार्टिंग। थ्री चेन और अब डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, ये कलर के टोटल 10 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से ये 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बीच में 3 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से टोटल ये 13 डबल क्रोशिया हो गए। तीन चेन ले लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया इधर और 10 डबल क्रोशियों पर 10 डबल क्रोशिया, तो इस तरह से टोटल 13 डबल क्रोशिया ये बन जाएंगे। इसी तरह से इसका एक राउंड और कर लेंगे, दो राउंड और व्हाइट के भी फिर सेम इसी तरह से करेंगे। बिल्कुल आसान सा डिजाइन है। ये डबल क्रोशिया देख लेंगे कहां तक है, वहां तक बना लेना है। ग्यारह, बारह, तेरह, तो इस तरह से ये बनाना है। ये देखिए अभी इसी तरह से एक राउंड और लेंगे इसका, यहीं से टर्न करके, और फिर हम सेम बीच में 3 डबल क्रोशिया और बाकी सारा डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया। इसी तरह से दो व्हाइट के कर लेंगे, व्हाइट के में भी हमें काउंट करके करना है, बता देंगे हम कैसे बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला कलर हमने लगा लिया है। अब व्हाइट का भी सेम इसकी तरह ही लगना चाहिए, 10 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, तो काउंट करके बनाना शुरू करेंगे, बाकी सारे इधर छोड़ देंगे। दो दो चार, दो तीन छः, आठ और दस, ये 5 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, बाकी बना लेंगे। तो इस तरह से काउंट करके ही बनाना है। यहां से शुरू करना है व्हाइट वाला, 5 डबल क्रोशिया छोड़ के, सेम ये वाला डिजाइन जो बनाया है इसी तरह से बनाना है। ये बीच में बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से व्हाइट के भी दो राउंड हो गए हैं। ये देखिए अभी यहां पर 4 चेन लेनी है, लास्ट में जब व्हाइट फिनिश हो जाए लास्ट वाले राउंड में 4 चेन लेके यहां पर बांधना है। उसके बाद 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लेके हमें इधर जाना है और यहां से इधर बांधना है, ये पूरा क्रॉस करके यहां पर बांधना है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये ऑप्शनल है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आप। फिर 10 चेन लेंगे, 1 खिंचा हुआ लगे तो और चेन बढ़ा सकते हैं इसकी, ये देखिए तो ये मेरे को खिंचा हुआ लग रहा है, तो 1-2 चेन और बढ़ा लेते हैं जिससे ये सही सेट हो जाएगा, और यहां पर इसे बांध लेना है। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, ये देखिए,
और ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसी तरह से दूसरी साइड में भी बांध लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी दो पेटल्स बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल आसान है, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पर पोम पोम बोल या झालर लगा सकते हैं, यहाँ पर लटकन लगा सकते हैं, जैसी भी आपको फिनिशिंग करनी हो इसमें कर सकते हैं। और बचे हुए पार्ट पे मेरी दो पेटल और बनेंगे इसमें, तो मैं वे दो पेटल्स और बना के तैयार कर लूंगी। फिर पूरा तोरण डिजाइन बनाना है तो 6 पेटल्स बनेंगी टोटल, तो उस हिसाब से आप बनाएं। तो लास्ट में मैं दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये फिनिशिंग करने के बाद। और फिनिशिंग के लिए पोम पोम बोल वगैरह बनानी मैंने बता रखी है, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। झालर, पोम पोम बोल या मोती वगैरह लगाना चाहें, जो भी लगा लटकन वगैरह, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं और इस पर लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन हमारा तैयार है। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इसकी फिनिशिंग की है। पोम पोम ये दो कलर में बनाई है और ये सिंगल कलर में बनाई है। और अब हम तोड़ पट्टी पे भी पेंसिल फ्लावर लगाएंगे। ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं इनके बिना भी रख सकते हैं। ये मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं और चैनल पर देख सकते हैं ये बनाने। तो यहां पर मैं लगा दूंगी इनको, ये देखिए 3 लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अलग तरह का डिजाइन है, बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। तो इस तरह से आप ये डिजाइन बना के तोरण के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।